बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। सुना आपने बुलडोजर एक्शन को लेकर किस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने हैं, वार प्रतिवार हो रहे हैं। बात शुरू की अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया था। अखिलेश का यह बयान सामने आया तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले तंज पर पलटवार कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले ये लोग ये काम नहीं कर सकते। सीएम ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने हैं, सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव पर जबरदस्त पलटवार किया। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया, पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश,
तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा कोई निवेश क्यों करेगा, विकास कैसे हो पाएगा, पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से। योगी ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले एक्शन पर पलटवार किया तो अखिलेश यादव भी भला कहां चुप रहने वाले थे। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। आखिर योगी के बुलडोजर एक्शन को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, तो इसकी बड़ी वजह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी है जो बुलडोजर एक्शन को लेकर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिस पर 2 सितंबर को सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वह नियमों का उल्लंघन है, हम इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। समझा गया कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का इशारा मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की तरफ ही था। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक चीज जो यूपी में सबसे ज्यादा मशहूर हुई है वो बुलडोजर ही है।
उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद के ठिकानों पर छापे मारे गए। यूपी पुलिस ने संगठित अपराध को खत्म करने के लिए गैंगों की कमर तोड़ी। इसके बाद माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर एक्शन हुआ। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, मऊ, देवरिया तक माफिया डॉन की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके अलावा उन आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चले जिन्होंने महिलाओं के साथ किसी तरह का अपराध किया। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले भी नहीं बचे। परीक्षा माफियाओं को भी नहीं छोड़ा गया और उन पर भी बुलडोजर कार्रवाई होती रही। इस तरह बुलडोजर सिर्फ इमारत या सड़क निर्माण का साधन बनकर नहीं रह गया, बल्कि यह योगी आदित्यनाथ के शासन का एक प्रतीक बनता चला गया और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर होते चले गए। बुलडोजर बाहुबलियों, माफियाओं, जमीन हड़पने वालों, महिलाओं को छेड़ने वालों और गुंडों के लिए एक दुःस्वप्न की तरह साबित हुआ। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर एक्शन को लेकर गाने तक बने, जब बाबा के बुलडोजर चमक के चले। यह गाना खूब पॉपुलर हुआ और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल था। बुलडोजर के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ चुनाव प्रचार किया गया। 2022 में अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाने का स्लोगन देकर बहुमत से सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थकों ने बुलडोजर बाबा का नया नाम दे दिया। तब से योगी के बुलडोजर एक्शन की गूंज सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में सुनाई देने लगी। बीजेपी शासित कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और असम तक में योगी के बुलडोजर एक्शन का प्रभाव देखने को मिला और यहां भी बुलडोजर एक्शन होने लगे। एक टीवी इंटरव्यू में योगी ने खुद को बुलडोजर बाबा बुलाए जाने पर क्या कहा था, ये सुनिए। मैं एक योगी हूँ और इसी रूप में रहना पसंद करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अगर किसी ऑपरेशन या मिशन के कारण यूपी की जनता का हित होता हो या उनके जीवन में परिवर्तन होता हो तो मुझे किसी नाम से कोई परहेज भी नहीं है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस तैयार करती है तो यूपी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।